झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम ले रहे हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय का काव्य सौंदर्य। तो चलिए शुरू करते हैं काव्य सौंदर्य। इसकी पहली पंक्ति है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। इसमें जा वर्ण जो है वो लगातार दो बार आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि इसमें स्नेह रूपी सुरा अर्थात मदिरा का, शराब का पान करने के बारे में कवि ने लिखा है। तीसरा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। फिर दूसरी पंक्ति है इसी के बाद, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि एक पंक्ति ज्यों की त्यों दोबारा प्रयोग में लाई गई है, सिर्फ एक शब्द का ही अंतर है। और अब हम चौथा बिंदु देखते हैं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यहां भी रूपक अलंकार है क्योंकि भव सागर संसार रूपी समुद्र, संसार को समुद्र बना दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। पांचवा है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। यहां विरोधाभास अलंकार है क्योंकि एक तरफ उन्माद है, दूसरी तरफ उसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द जो है वो अवसाद का प्रयोग किया गया है। इसी तरह छठवां बिंदु जब हम लेते हैं, मुझको बाहर हंसा रुलाती अंदर। यहां हंसना और रोना दो विपरीत क्रियाएं हैं, इसलिए इस पंक्ति में भी विरोधाभास अलंकार है। और अब सातवां बिंदु देखते हैं, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यहां भी विरोधाभास अलंकार है क्योंकि जो ज्ञान सीखा हुआ है कवि उसको भुलाने का ज्ञान सीख रहा है, तो विपरीत बातें हैं। आठवां बिंदु है, मैं और जग और कहां का नाता। इसमें पुनरुक्ति अलंकार है क्योंकि और शब्द बार बार आया है। अगला बिंदु देखते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। इन दोनों ही पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है क्योंकि पहले में रोना और गाना दो विपरीत क्रियाएं हैं, इसी तरह दूसरी पंक्ति में शीतलता और आग दो विपरीत प्रभाव हैं, तो इसलिए यहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। और ग्यारहवां बिंदु है कि यह पूरी कविता छंदबद्ध कविता है, छंदों में रची गई है। अगला बिंदु है, कविता में करुण रस है, करुणा का बार बार कवि एहसास कराता है। और तेरहवां बिंदु है, कविता लय और प्रवाह पूर्ण है, इसमें गति है, लय है, प्रवाह है, बहाव है, जैसे नदी की धारा बहा करती है। और आखिरी बिंदु है इसका कि कवि ने सटीक शब्दों का प्रयोग किया है, कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कविता के भाव और उसकी भाषा के अनुरूप सिद्ध होते हैं। तो यह था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय का काव्य सौंदर्य। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए, हमें उसका उत्तर देते हुए बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।